हेलो दोस्तों, वेलकम वेलकम बैक मेगा मोन के एक और नए वीडियो के अंदर। और यहाँ पे फिलहाल चालू है एक फुल ब्लेसिंग इवेंट, कार्निवल इवेंट। तो फुल ब्लेसिंग इवेंट की मैंने वीडियो बना चुका हूँ एक साल पहले भी और अभी वापस से। तो फिलहाल अपन बात करेंगे कार्निवल फेस्टिवल इवेंट की। इवेंट इतना कुछ खास नहीं है, एकदम बेसिक इवेंट है। यहाँ पे इसका नाम है कार्निवल फेस्टिवल और इसका क्या बोलेंगे मोटो वाली लाइन है, आई डोंट चूज आई वॉन्ट इट ऑल, जो है ना पोकेमॉन चूज वन पोकेमॉन स्टार्टिंग में यहाँ पे लेकिन नहीं मेरे को सब चूज करना है। और ऊपर देख सकते हो तीनों स्टार्टर पर टिक मार्क बना है। तो कुछ काम करने था जो मैंने अभी बताया पर लिखा था तो बता दिया। यहाँ पे ये बेसिकली है कि टास्क कंप्लीट करो और टास्क है इधर पे बैटल करना है। आप देख सकते हो नॉर्मल डंजन को तुमको 900 बार क्लियर करो, 900 बार, 800 बार, 700 बार, ऐसे जितनी बार क्लियर होगे उतना ज़्यादा डेली रिवॉर्ड मिलेगा। एक हफ्ते वाला इवेंट है, 5 दिन बच्चे हैं इस इवेंट के अंदर। और यहाँ पे देख सकते हो डायमंड है इंपॉर्टेंट चीज़ इधर पे रिवॉर्ड्स के नाम पे। डे वन पे डायमंड है अच्छे खासे, इधर पे डे टू पे वो है, डे थ्री पे टैलेंट है, अच्छे खासे टैलेंट है और स्टार स्टार है। डे फोर पे भी स्टार और रिंग है और ये लास्ट में पता नहीं कौन सी खिचड़ी है। और डे फोर पे वापस से नीचे थोड़े थोड़े डायमंड है इधर पे। और तुम लोग देख सकते हो इधर पे लिखा है कि तुम लोग को ट्रेजर पॉट लेना पड़ेगा, ट्रेजर पॉट की कॉइन 40 बार और लास्ट में कोई प्लस बने हुए कॉइन है। मेरे को नहीं पता अच्छे से कॉइन का क्या यूज़ है पर डे फाइव पे होगा तो कुछ अच्छा ही रिवॉर्ड होगा। और यहाँ पे बाजू में लिखा है टास्क कौन सा करना है, तो कुछ ज़्यादा हार्ड वार्ड टास्क नहीं है पर थोड़ा कुछ ना मेहनत करनी पड़ेगी, एकदम हल्की फुल्की, ज़्यादा नहीं एकदम थोड़ी सी। तो इतना कुछ खास बड़ा अजीब इवेंट नहीं है, ये खाली नॉर्मल सा इवेंट है। और एक इवेंट अच्छे खासे मतलब बैटल करना, तो यहाँ पे मैं लूट कर सकता हूँ, लूट को भी करने को बैटल में इंक्लूड होता है लूट। यहाँ पे देख सकते हो लूट क्या मैंने, और यहाँ पे मेरे को ये वाला रिवॉर्ड मिल गया 288 डायमंड्स इधर पे। तो यही था समझो। और ये कार्निवल इवेंट का भी मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, स्टेमिना कंज्यूम करने का 1200 वाला, ठीक है। और ट्रेजर क्या है, ट्रेजर 5 बार ट्रेजर का वो करना है फिलहाल, इसको सामान वो कर लेते हैं। ओके, अपने को डायमंड नहीं मिला और था मिला अपने को जो मिला है वो है वॉचिंग द टाइड। तो ये सारा था अच्छी खासी थोड़ा सा अपना ट्रेजर वाला इवेंट वाला। अब चले जाते नॉर्मल कहीं पे बैटल करने। अब अपन आ जाते हैं इधर पे पोकेमॉन कैप्चर करने के लिए अच्छे खासे। इधर पे पोकेमॉन है तो अपन पोकेमॉन कैप्चर करेंगे, 5 पोकेमॉन बता रहे इधर पे। निडोरैन 5 बार अपने पास 5 ट्राई है और ये 3 टाइप की पोकेमॉन है। पोकेमॉन आपको नॉर्मली कहीं ना कहीं से मिल ही जाते हैं एज अ रिवॉर्ड करके। 5 ट्राई में नहीं पकड़ पाओगे तो पोकेमॉन यहाँ से बच के भाग जाएगा। कुछ चैरी वैरी अलग से नहीं खिला सकते पोकेमॉन गो के जैसे, सिंपली बॉल फेंक सकते हो, हाई लेवल का बॉल फेंक के जल्दी कैप्चर हो जाएगा। पर यहाँ पे फिलहाल आप नॉर्मल इसके डंजन के अंदर ऐसा बोल सकते हैं आइलैंड के अंदर है, तो यहाँ पे नॉर्मल बॉल से आसानी में पोकेमॉन कैप्चर हो जाता है, ठीक है। एक पोकेमॉन यहाँ से कैप्चर कर लिया मैंने स्टोन बोर्ड के अंदर। यहाँ पे भी देख सकते हो कैटरपिलर है, निडोरैन है और स्पैरो है। अपन यहाँ पे स्पैरो कैप्चर करेंगे, सारे पोकेमॉन कैप्चर करेंगे, देखेंगे सारे पोकेमॉन कैप्चर करने के बाद इधर पे क्या कुछ नया होता है कि नहीं होता है। तो स्पैरो भी कैप्चर कर लिए। इसकी फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन की स्पीड इतनी कि कम की हुई, इसके परवर टूटे क्या, परकटा पोकेमॉन है क्या ये, कोई नहीं। अब यहाँ पे आ जाते हैं अपन हार्ड के अंदर। हार्ड के अंदर यहाँ पे देखो 3 पोकेमॉन बता रहे हैं, लोटैड, निडोरैन और कैटरपी। इन लोग अपन 3 पोकेमॉन कैप्चर करेंगे और देखेंगे 3 पोकेमॉन को कैप्चर करने के बाद कुछ नया ओपन होता है या फिर जगह दूसरी बदलती है, क्या होता है अपन वो चेक करेंगे 3 पोकेमॉन को पकड़ के, ठीक है। सबसे पहले कैटरपिलर अपन ने कैप्चर कर लिए, इसका सब कुछ बेकार है, स्पीड छोड़ेगा भाई। कीड़े पोकेमॉन की स्पीड इतनी की ज़्यादा है जब प्रकट पर मतलब स्पैरो पोकेमॉन की इतनी कम थी। लोटैड देखेंगे इसके अंदर क्या है, ये अपन नाइटमेयर के अंदर है तो होपफुली इसका कुछ लेवल उतना हाई हो। ओके, फर्स्ट पोकेबॉल से एस्केप हो चुका है, सेकंड पोकेबॉल से हो चुका है ये कैप्चर। ओके, अब देखेंगे। ओके, बहुत घटिया एकदम, 11 12 12 तो देखने भी नहीं वाला हूँ मैं स्टार्ट्स। लास्ट निडोरैन पोकेमॉन और देखेंगे कि इसको पकड़ने के बाद कुछ चेंजेस होने वाले हैं इस गेम के अंदर या नहीं। फाइनली निडोरैन, ओके निडोरैन तो पे कैप्चर हो चुका है और इसका भी दम स्टैट्स काफ़ी घटिया निकला। और यहाँ पे कुछ अलग से चेंजेस नहीं है, कोई न्यू पोकेमॉन अपीयर नहीं हुआ है या फिर कुछ रेंज कैलकुलेटर जो भी है सब कुछ खाली खाली सुना सुना पड़ा है। तो फिलहाल के अंदर मतलब इसके अंदर कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं। अब अपन चले आते बैटल के ऊपर और अपन थोड़ी सी एक बैटल कर लेते हैं इधर पर ही स्टार फिश वाला, इस पर ही अपन बैटल करेंगे। यहाँ पर एक एंड से अपने पास और पीजीओटे बैटल करने के लिए पर लोग 1 शॉट है, तो एक बार में लोग आराम से काम तमाम हो जा रहा है लोग का। पीजीएट का विन गस्ट नहीं, विन ब्लेड अटैक है ना, पता नहीं कौन सा अटैक है, नाम बताओ ये अटैक का, कौन सा अटैक पीजीएट ने अभी करी है।
और अपने येलो पोकेमोन इसको बड़ा करके इसका मेन अटैक देख लिया है मेरे को, ये डीजे पोकेमोन का नोइबैट का पर जमाना जाएगा इसको इवॉल्व करने के लिए। ओके फाइनली यहाँ पे बॉस आ चुका है वॉइड टर्टल और दो बीड्रिल को लेके। ओके डैमेज बहुत कम दे रहा है मेरा पोकेमोन, लोग 43 लेवल के मेरा 72 को, पर अपग्रेड नहीं किया हूँ तो भाई मेहनत लगेगी इन लोगों को डिफीट करने, पता नहीं डिफीट कर पाऊँगा या नहीं। डबल शॉट मार दिया अपन ने मेरे मास्टर शैडो ने इसके बीड्रिल को, इसने लोग के ऊपर कीचड़ उछाल दिया हूँ मैं इसको थोड़ा। ओके स्टारफिश मेन अटैक करने वाला इधर पे, माइंड विक से अटैक कर दिया। ओके यहाँ पे गॉड ऑफ वॉर का भाई भी आ चुका है इधर पे। ओके टर्टल ने स्कल बैश किया मेरे सबसे और ये रहा भाई स्टार का मेन अटैक जो कि है रेनबो वाली उल्टी या फिर रेनबो वाली धूप, खाली रेनबो वाला अटैक टाइप का बोल सकते हैं इसको, जिसमें मेरा एक पोकेमोन का काम तमाम हो गया और दूसरा पोकेमोन जिसके मेन अटैक का मैं इंतजार कर रहा था वापस से उसका भी काम तमाम हो गया, उसका भी मेन अटैक अपने को देखने नहीं मिला डेसिडी के प्री वॉल फॉर्म का। और मास्टर शैडो निकल चुका है अपना मेन अटैक करने के लिए और यहाँ पे जो मेरी जोरो जोरो वाली स्टार थी वो भी अपने यहाँ पे स्टार वाली उल्टी या फिर शाइनिंग जो भी बोलो वो यहाँ पे करके 50,000 का डैमेज अपने को ले आई है। पर उसकी टीम में ज़्यादा मेंबर जिंदे अभी तक ने मेगा शाइनी गेंगार का मेन अटैक अपने यहाँ पे देख लेते, स्पीड अप कर दूँगा क्योंकि बहुत टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, अच्छा खासा लंबा अटैक है इसका तो दो की स्पीड में अटैक देखो तुम लोग। और सब्सक्राइब नहीं करो सब्सक्राइब कर दो, 10,000 अपना कंप्लीट हो चुका है तो उसके लिए तुम लोग सबको बहुत सारा थैंक यू देख के अपन इस यूट्यूब की जर्नी में साथ साथ कितनी आगे तक जा सकते हैं। एक कप के ग्लास में गिरा हुआ गॉड ऑफ वॉर पोकेमोन, गिरी हुई गॉड ऑफ वॉर पोकेमोन काली तितलियों के साथ डार्क पोकेमोन अपना और ये अपने डरावनी कुर्सी पे बैठे हुए। तुम लोग बताओ तुम लोग गॉड ऑफ ये मेगा शाइनी गॉड ऑफ वॉर पोकेमोन को निकाले या नहीं, और निकाले तो उसको अपनी टीम में किस पोजीशन में यूज़ कर रहे हो, किस लिए उसको यूज़ कर रहे हो मेरे को कमेंट में ज़रूर बता देना। ठीक है अब यहाँ पे बैटल मेरे साइड हो चुकी है क्योंकि इधर पे 2v3 हो चुका है और मेरे डरावने पोकेमोन मास्टर शैडो ने अपना मेन अटैक इधर पे दिखा दिया है वॉल टोटल के ऊपर और स्टार के ऊपर। ठीक है दो जिंदे थे और दोनों पे मस्त वाला इधर पे मेरे मस्त वाले फेवरेट पोकेमोन ने अटैक कर चुका है इधर पे, उन लोगों का काम यहाँ पे बहुत जल्दी तमाम होने वाला है। तो एक का तो हो गई मेरे सबसे वॉल टोटल ही जाएगा। ओके दोनों चले गए। ओके तो आराम से अपन ईजिली यहाँ पे मैं मेरी बैटल जीत चुका हूँ विक्ट्री, इसको अपन फटाफट कर लेते कलेक्ट। और फिलहाल इस वीडियो में अपन इतना ही करते, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।